सारे विश्व आए तो आप लोगों ने उसको बहुत प्रचार किया, पूरी कंट्री में उसका इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कई कई सभी जातियों से शिकायत आती है कि अगर वोटर लिस्ट फेक होगी, डुप्लीकेट होगी, तो डेमोक्रेसी को मायने क्या रहेंगे। जिस वोट में एक वोट से हमारे चीफ जस्टिस चुनाव हारे गए, और एक वोट से वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, एक वोट से भारत सरकार चली गई। हो उस वोट में जो है, उस वोट में आप बताइए एक वोट से एक वोट क्या कीमत है, बड़ी कीमत। तो विवेकनंदा साहब ने जो बात उठाई है, जयंत साहब ने जो सपोर्ट किया है, ये बहुत गंभीर मामला है, ये डेमोक्रेसी बचाने का मामला है। ये कोई राजस्थान की या मध्य प्रदेश की बात नहीं है। जयंत साहब का तो कमिटमेंट है, इसलिए उन्होंने एफिडेविट दिया है कि किस प्रकार की गलतियाँ हो रही है। इससे मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत गंभीर मामला है, और मुझे पूरा यकीन है कि समुद्र की प्रेस जो है, अभी दिल्ली की भी देश की प्रेस और मीडिया एक इसी रूप में काम कर रहा हूँ, उसको बहुत गंभीरता से इशू उठाएगा, जिससे कि राज्यों में भी और जिलों में भी सबकी आँखें खुले कि वास्तव हो क्या रहा है। मशीनरी जिनकी होती है वो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रहा है। इसी आई को हमने कहा है कि ये इसी को, तो हमने क्या कहा और अच्छी ढंग से बात हमारे सुख साधन रखी वहाँ पर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए इस बात का एहसास सके कि देश के अंदर कांग्रेस सरकार नहीं है, यूपी गवर्नमेंट नहीं है, इस देश में वो लोग आ गए जो फासिस्ट ही हैं, जिनका योगदान लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। इससे किसी भी हद तक जाकर के ये तो आपको भी सैंपल बताए गए हैं, ये सैंपल बताए गए हैं, और क्या हालात जो करते हैं जिलों के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये शिकायतें पहले शिकायतें थी, लेकिन भला हो जैन साहब का, उन्होंने वेबसाइट को लेकर के विश्लेषण करके अब कंप्यूटर में जमा आगे तो आपने हम लड़ दिया है, वरना ये शिकायतों को गुजरे गई सरफ से नई बात नहीं है भाई। पर आज पहली बार मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का जो इश्यू बना है उसको आप सबको गंभीरता से समझना चाहिए, खोज करनी चाहिए और देश करना चाहिए। चाहे कोई वोटर हो, किसी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, और किसी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। तो वोटर जो है अगर फेक होगा, डुप्लीकेट होगा, आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई करना नहीं कर सकता। इतने में आपको निवेदन करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसको आप बड़ी गंभीरता से लें। दूसरा जो है, राज्यों में सरकारें जो बैठी हुई है उनका ध्येय उनको इंटरनेशनल से मिले हुए हैं, इस काम को ऑर्गेनाइजेशन में करें, ऑर्गेनाइजेशन में करें, संगठित रूप से करते हैं। इसलिए पूरा देश चिंतित है कि अगर ये हालात रहे और जो बिहेवियर चल रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, दो लोग राज कर रहे देश के अंदर, सिर्फ दो लोग राज कर रहे हैं, ये हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। इस मुल्क में दो लोगों का शासन है पूरे देश के अंदर, भाई जब कुछ होने के बावजूद चिंता कर रहे हैं अगली बार अगर हम कहते हैं कि वो सब लोग मिलकर के इनको डिफीट करेंगे, ऐसे लोग कभी कामयाब होने देंगे नहीं। ऐसे लोग कामयाब होंगे पता नहीं डेमोक्रेसी जितने बचेगी कि बचेगी। वोटर को आधार से अगर लिंक कर दिया जाए तो जो डुप्लीकेसी है, नंबर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेसेस हैं, ये सारे बात हो सकते हैं क्या करें? ये तो जो अभी भी वोटर लिस्ट बनी हुई है उसको इंटरनेट के माध्यम से तो इसको वीडियो करके इसको लिंक करके आपके नाम की बात रखी है। आधार लिंक होने की बात है वो तो लॉन्ग टर्म हो सकती है, क्या फैसला करें? देखिए, इन द थ्री स्टेट्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग द शेड्यूल फॉर इलेक्शन हैज टू कम बिफोर द टर्म कम्स टू एन एंड। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू विन दीस थ्री स्टेट्स, सो इफ देयर इज एनी अटेम्प्ट टू पोस्टपोन इलेक्शन इन दीस स्टेट्स, ऑफ कोर्स वी विल गो टू वॉर।